गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रेचा व्लॉग्स। तो कैसे हो भाई प्रेरक के चीतोस? तो टाइम बता दूं तो बज रहे हैं 7:15। जी हाँ भाई लोग, 7:15 हो रही है अभी तक। तो सनराइज भी बराबर से नहीं हुआ, इतना प्यारा सा मेरे को सनराइज दिख रहा है कि मत पूछो। बात आपको भी मैं दिखाऊंगी अभी। और मैं इतनी जल्दी क्यों उठ गई? और मैं उठ गई और प्रेरक सर भी नहीं है। प्रेरक सर बाथरूम में भी नहीं है, वो फ्रेशन अप होने भी नहीं गए हैं। तो प्रेरक सर कहाँ गए हैं वो आपको थोड़े दिनों में पता चल जाएगा। आजकल प्रेरक सर बहुत जल्दी उठ रहे हैं, 6:30-7 जैसे उठ के बाहर जा रहे हैं। अभी वो कहाँ जा रहे हैं, वॉक करने जा रहे हैं या फिर कुछ खाना लेने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वो आपको थोड़े दिनों में पता चल जाएगा। उन्हीं के मुंह से पता चलेगा कि वो कहाँ जा रहे हैं। तो अभी वो आए जब तक मैं नीचे जाती हूँ। मैंने ब्रश वगैरह सब कर लिया तो मैं नीचे जाती हूँ और उनके लिए थोड़ा सा लंच ब्रंच बनाती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बोला कि मम्मी की कोई घर पे है नहीं, मैं और प्रेरक दोनों अकेले ही घर पे है। और भाई आज है सैटरडे, तो आज रात का क्या सीन होता है क्या नहीं वो अभी देखते हैं रात को। बाकी अभी तो आपको ब्यूटीफुल सा सनराइज दिखाती हूँ मैं आपको। एकदम हल्का हल्का सा गोल्डन कलर का सनराइज हो रहा है। देखो अभी तो बादलों के नीचे से सन ऊपर आ ही रहा है और देखो वो बीच में से चीड़ी आ गई। वाह, अगर यहाँ पे ना सोलर पैनल ना होती ना तो इतना प्यारा सा दिखता ना, लेकिन फिर भी प्यारा सा दिख ही रहा है। हाँ भाई, एक्चुअली में कहा जाता है कि जो लोग सुबह उठ के बोलती हूँ, हमारे एक्टर अक्षय कुमार जी ऐसा कहते हैं कि अगर हम लोग सूरज दादा से पहले उठ जाए, हम लोग सूरज दादा से पहले उठ जाए और उनको उठते हुए देख ले, तो हमारी बॉडी में कभी भी कोई भी किस्म की बीमारी या रोग नहीं आते हैं। और ये सच बात है भाई लोग, अगर आप लोग 4:30 उठ जाते हो सूरज दादा से पहले डेली और आप सूरज दादा को उठते हुए देखते हो, तो आपकी बॉडी में कभी भी बीमारी नहीं आएगी। जैसे कि हमारे दादा परदादा लोग 4:30-5 मैक्स टू मैक्स वो लोग उठ ही जाते हैं। अभी उठ के वो लोग चलते हैं, घूमते हैं या फिर खेतों में काम करने के लिए जाते हैं, लेकिन उन लोगों की बॉडी में कभी बीमारियां नहीं आएगी। आप देख लेना, नोट करना, मैंने तो नोट किया है, लेकिन मेरे से उठा जाता है नहीं उतनी जल्दी टू बी ऑनेस्ट। लेकिन जो जो लोग उठ सके वो प्लीज उठना, और कौन कौन उठता है वो कमेंट करके मेरे को जरूर बताना। अभी मैं ये फोन चार्ज में रखा हुआ तो इधर ही रख के जाती हूँ। मस्त मजे की मैंने दाल फ्राई बना दी है और उसके ऊपर देखो थोड़ी मलाई जैसा आ गया है। अभी प्रेरक सर आएंगे तब इसको गर्म करके उनको दूंगी। मेरे लिए मैंने बटर मिल्क में रोटी फ्राई कर दी है विथ बहुत सारा गार्लिक। और यहाँ पे कल जो मैंने रात को कचुम्बर बनाया था वो कचुम्बर बनाया है प्रेरक सर के लिए, और राइस बनाया, और मेरे लिए मेरा बॉर्नविटा बनाया हुआ है। और अभी प्रेरक सर आएंगे ना तब यहाँ पे ना तारक मेहता चालू कर देंगे, एक के ऊपर एक किसी को रख के, और फिर हम लोग खाएंगे, मतलब प्रेरक सर ब्रंच करेंगे और मैं ब्रेकफास्ट करूंगी। मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है और प्रेरक सर ने अपना ब्रंच करना स्टार्ट कर दिया। मैंने बोला ना यहाँ पे उनका सेटअप लगेगा, ये कॉलीफ्लावर दिख रहा है लेकिन तारक मेहता चल रहा है वहाँ पे। गुड मॉर्निंग प्रेरक सर। गुड मॉर्निंग, मेरी तो मॉर्निंग तेरे से पहले हो गई है। हाँ मेरे को पता है, लेकिन मैं भी आज 7:15 की जग गई हूँ। आज सूरत क्या पश्चिम से निकला है? नहीं दक्षिण से निकला है बोला। नहीं बाकी जनरली पूरब से निकलता है ना। तू यार मत कर, मैं उठ जाती हूँ अगर मेरे को उठना हो तो। वही तो है, तो तेरे गणा तो। शट अप। मेरा ड्रेसिंग टेबल सही कर रही थी और टाइम बता दूं तो आपको बज रहा है 1:05 की देर है। मतलब कि मैं अभी नहाई, जस्ट मैं कपड़े अभी नीचे वॉश में डालूंगी, क्योंकि सुबह मेरे और प्रेरक के अकेले के कपड़े होते थे, दो बार तो मैं मशीन चालू करती नहीं। अभी जाऊंगी मशीन चालू करूंगी, जब तक मशीन मतलब पूरा वॉश कर नहीं लेता तब तक मैं अपना लंच कर लूंगी। बाकी पूरा ड्रेसिंग टेबल मैंने इतना सही से अरेंज कर लिया ना, देखो मैं आपको दिखाऊं, जो मेरे ब्यूटी ब्लेंडर्स थे उसको वॉश करके मैंने इधर चेयर पे रख दिया है। बाकी मस्त मजे का मैंने मेरा अरेंज कर दिया है पूरे का पूरा टेबल। और ये मेरा मेकअप का पार्ट जहाँ पे मैंने इधर सारी क्रीम्स रख दी है, इसमें लिपस्टिक, और इधर सब आँख का मतलब काजल, मस्करा, लाइनर सब, और यहाँ पे ब्रशेस रखूँगी। अभी नीचे ब्रश पड़े, वो ब्रशेस यहाँ पे रखूँगी। ये फाउंडेशन, ये हाइलाइटर, ये ब्लशर, ये भी ब्लशर, सॉरी हाइलाइटर, कॉम्पैक्ट ब्लशर, आई शेड्स, नीचे हेयर सीरम, सनस्क्रीन, बहुत कुछ पड़ा हुआ है। ये मेरा मेकअप का हो गया पूरा, और नीचे चॉकलेट्स वगैरह और मेडिसिन पड़ी हुई है सारी। लंच वगैरह तो मैंने कर लिया, लेकिन मैंने सोचा कि भाई सोना तो है नहीं तो क्या करेंगे बैठे बैठे, तो मैंने ना देखो मेरी लाइनर में ये लाइनर की और इधर हार्ट शेप बना दिया दोनों की दोनों साइड, तो बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। तो ये मम्मी जो लेके आए थे मेरे लिए लोअर और टी शर्ट, तो बहुत ही प्रिटी लग रही थी। मैंने बोला चलो आज इसी आउटफिट में थोड़े से वीडियो शूट करते हैं।
प्रेरक सर दाल चावल खा के गए थे, मैंने भी दाल चावल खा लिया। अभी रात को देखते हैं क्या सीन सीनरी होता है। प्रेरक सर बोल रहे बाहर खाना खाने चलेंगे, तो मैंने बोला ठीक है। बाकी आज है, आज जैसे वैलेंटाइन डे के दिन वसंत पंचमी थी और उसके दिन चेहर माँ की प्रागट्य दिन था चेहर माँ का, तो आज है खोडियार माँ की जयंती। खोडियार माँ का प्रागट्य दिन, हाँ, खोडियार माँ का प्रागट्य दिन ही है, तो वो भी हम लोग करते हैं, लेकिन अभी घर पे कोई है नहीं इसीलिए। बाकी हमारे घर में खोडियार माँ, चेहर माँ और ऑलमोस्ट सारे माता जी की फोटोज तो है ही, लेकिन कोई नहीं, अभी थोड़े बहुत बूमरैंग शूट करते हैं अंदर और फिर बाहर जाके थोड़ा सा शूट करते हैं। अब तो लोअर टी शर्ट पहना था, थोड़ा सा फिक्का फिक्का सा लग रहा था, तो मैंने देखो ये जुगाड़ कर दिया, उसके ऊपर मैंने बेल्ट लगा दिया। अभी ये परफेक्ट आउटफिट हो गया, अगर नीचे का भी ना पहना तो ये वन पीस जैसा एकदम परफेक्ट आउटफिट हो जाएगा अपने लिए, तो बेटर लग रहा है ये पहले से। तो फाइनली 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 मैंने बहुत सारे वीडियो शूट कर दिए, और वो भी इतनी चमचमाती धूप में। बाप रे, सन स्लैप हो रहा है, सन किस तो नहीं हो रहा है, लेकिन वो देखो चेयर वहाँ पे मैंने रख दी यहाँ से, और मैं वहाँ पे जो वहाँ पे झाड़ है ना, वहाँ पे मैं वीडियो शूट कर रही थी। और तीन बार मेरे फ़ोन का टेम्परेचर बहुत हाई हो गया था, तीन बार आईफोन मेरा बंद हो गया, और अभी फ़ोन में बैटरी नहीं है, इसीलिए मैं चार्जर लेके अभी नीचे जा रही हूँ। ऊपर बैठे भी बैठे करूँ भी तो क्या करूँ, तो नीचे जाती हूँ और टीवी देखती हूँ या फिर चाय नाश्ता करती हूँ। चाय नाश्ता तो करना ही पड़ेगा, टीवी चलाती हूँ, पहले फ़ोन चार्ज में रखती हूँ, और ये फ़ोन ले लिया है फुल बैटरी करके, ताकि मेरे को अगर फ़ोन यूज़ करने की इच्छा हो तो मैं ये फ़ोन यूज़ कर सकूँ और रील स्क्रोल कर सकूँ। इसमें मैंने ना एक फेक अकाउंट बनाया हुआ है जिससे मैं रील स्क्रोल करती हूँ, वो सिर्फ मैंने प्राइवेट यूज़ के लिए है, वो वाला प्राइवेट अकाउंट मेरा, वहाँ पर मैं रील्स देखती हूँ मेरे फ्री टाइम में, तो इसमें देखते हैं और आईफोन चार्ज में रख देते हैं। मैं कपड़े चेंज करने के लिए ऊपर आई थी, और कपड़े चेंज करने के साथ साथ मैंने सोचा कि भाई अभी घर में कुछ काम है नहीं, मैं फालतू का टीवी देख रही हूँ, इससे अच्छा है कि मैं लिपस्टिक वगैरह करके नीचे जाके हॉल में वीडियो शूट करूँ। तो मैंने जीन्स डाला हुआ है और टी शर्ट डाली हुई है, और अभी मैं वीडियो शूट करूँगी। अभी देखो सनलाइट तो चली गई, तो छत पर वीडियो शूट करने का कोई मतलब नहीं है। और ये जो अभी मैंने शूट के टाइम पर कपड़े पहने थे, वो मैंने बहुत धूप में रील शूट की थी, दैट्स वाई वो कपड़े पसीने पसीने हो गए। तो अभी ट्राईपोड लेते हैं, ये कपड़े वॉश में डालते हैं और अपने थोड़ी रील शूट करते हैं। आई तो थी नीचे वीडियो शूट करने के लिए, लेकिन 7:30 बज रहे हैं और मैं अभी जस्ट बाहर जाके आई, आइसक्रीम का फैमिली पैक लेके आई, प्रोडक्ट सर के लिए बनाना चिप्स लेके आई, क्योंकि आइसक्रीम इसीलिए लेके आई क्योंकि मेरे दो कजिन्स आ रहे हैं घर पे, वो सूरत आए थे महसाना से, तो बोल रहे हैं कि भाई हम तेरे घर आते हैं, मतलब तेरा घर भी देख लेते हैं और उस बने तेरे घर भी आएंगे। मैंने बोला ठीक है आओ। और मम्मी और पापा की आज एनिवर्सरी है, मेरे मम्मी पापा की, तो पापा मेरे को कब से वीडियो कॉल करके बता रहे कि तेरी मम्मी के लिए ये लूँ, तेरी मम्मी के लिए वो लूँ, तो वहाँ पे उसमें बिजी हो गई। तो भाई अपनी लिपस्टिक का, ये फोगट की लिपस्टिक करके आई हूँ, क्योंकि मेरे से एक भी रील शूट नहीं हुई, एक भी बूमरैंग शूट नहीं हुआ। डिनर विनर करके आ गए हैं घर पे, और प्रेरक सर गए हैं फ्रेशन अप होने के लिए, और मैं यहाँ पे व्लॉग एंड करने के लिए आई हूँ। मस्त मज़े का डिनर किया हम लोगों ने और बहुत मज़ा आया, और टाइम बता दूँ तो 12 बज गए भाई। तो आज का छोटू सा व्लॉग मैं करती हूँ यही पे एंड। अगर आपको आज का हमारा व्लॉग पसंद आया तो गिव इट अ थम्स अप, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, मिलती हूँ आपको कल के नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल।